एक बहुत ही जबरदस्त शेर है जो आज के सिचुएशन पे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। वसूलों पे जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जो अगर फिर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप इस समय की हालात देख रहे होंगे, पहले तो आपको वैकेंसी का इंतजार करना पड़ रहा है। वैकेंसी आ रही है तो नंबर ऑफ सीट्स कम आ रही हैं, नंबर ऑफ सीट्स आ गई, फॉर्म भर लिया, फिर एग्जाम का इंतजार करना पड़ रहा है, एग्जाम के बाद रिजल्ट का इंतजार करो, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इन सब का इंतजार करो, और जब सालों इंतजार के बाद आप फाइनलाइज हो जाते हो, फाइनल लिस्ट में आपका नाम होता है, उसके बाद आपको एक कैंसिलेशन लेटर पकड़ा दिया जाता है और फिर से आपकी इंतजार वाली साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये हालात हैं बिल्कुल। रिसेंटली आपने देखा है कई सारी वैकेंसी कैंसिल हो रही हैं, कई सारी वैकेंसी में पोस्ट को रिड्यूस किया जा रहा है, और ये हालत किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है, पूरे स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सा स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी वहां पर रूल कर रही हो, हर जगह की हालात ऐसे ही हैं। डाटा जब निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड आपके मैसेजेस आ रहे थे। एक तो टॉपिक आप समझ गए होंगे कि जो वैकेंसी कैंसिल की जा रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरा, आप जब से मैंने कल से एक वीडियो बनाया हुआ था प्राइवेटाइजेशन का, तो काफी सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वहां पे मेंशन था, तो क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज होने वाला है, और इससे जो आरटीओ की वैकेंसी आई हुई है ऑलरेडी, जैसे कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम लोग आरटीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जीपीएससी के हों, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, किसी भी कहीं के भी हों, बट हैं वो आरटीओ के, तो क्या उस वैकेंसी पे भी फर्क पड़ने वाला है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी प्राइवेटाइजेशन का हमने डिस्कस किया पीएसयूज का, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है कि स्टेट गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन आएगा ही नहीं। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की सोच रही है, और रिसेंटली ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आप यहाँ पे कटिंग भी देख रहे होंगे, 27 फेब की रिपोर्ट है। गुजरात गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी ऐसा प्लान किया है कुछ 3 लाख करोड़ रुपीज तक। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान जो उन्होंने 1.75 लाख करोड़ का किया था कि हम प्राइवेटाइजेशन या डिस इन्वेस्टमेंट से लाएंगे, तो गुजरात गवर्नमेंट तो उससे ज्यादा का प्लान कर रही है, और ऐसे ही कुछ यूपी गवर्नमेंट की हालत है, और बाकी सारे जगह की वन बाय वन करके हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आपको रिसर्च चाहिए तो आप थोड़ा सा ढूंढना, आपको मिल जाएगा। यूपी में इलेक्ट्रिक बोर्ड को प्राइवेटाइज करने की कोशिश किया, तो वहां पे जो 15 लाख एम्प्लॉय उन्होंने बोल दिया कि भाई तो हम प्राइवेटाइजेशन के अंडर में वर्क ही नहीं करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने वो स्टेप, बैक स्टेप ले लिया है। तो सेम हालत है अभी गुजरात की। पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्राइवेटाइज किए जाएं, चाहे वो स्टेट के हों या सेंटर। सेंटर ने तो कह दिया हम करेंगे, अब वो कौन सा सेक्शन है जो प्राइवेटाइज होने वाला है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है वो तो प्राइवेटाइज अभी नहीं होने वाला है, नहीं गवर्नमेंट की प्लान है, नहीं ऐसे कहीं पे रिपोर्ट है। जो सेक्शन प्राइवेटाइज होने वाला है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट, जो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लूं, जैसे गुजरात की अगर हम बात करें तो जीएसआरटीसी है जो कि गवर्नमेंट बसेस चलाती है, कॉन्टेक्ट कैरेज हो या फिर स्टेज कैरेज हो, इस टाइप की जो बसेस चलाती है गवर्नमेंट, उसको प्राइवेटाइज करने की सोच रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी सोच रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले बता दिया कि हम तो जा रहे हैं इसको प्राइवेटाइज करने। अब बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जब एक सेक्शन प्राइवेटाइज होगा तो थोड़ा वर्कलोड, जो वहां पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनका वर्कलोड कम होगा ही होगा, और डेफिनेटली आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि जो जीएसआरटीसी की वैकेंसी है वो कैंसिल हो रही है। तो इससे हम और कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि गवर्नमेंट प्लान बना के रखी है, रोड मैप बना के रखा है कि उनको कौन कौन से सेक्टर को प्राइवेटाइज करना है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना होता है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन है, इसका जो दूसरा पोर्शन है जो बेसिकली गाड़ियां बसेस चलाते हैं, उनसे गवर्नमेंट को घाटा होता है। घाटा इसलिए होता है क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर में चलाते हैं, फेयर कम रखते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को अल्टीमेटली वहां से घाटा होता है। तो गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, हो सकता है प्राइवेटाइज करें, हो सकता है प्राइवेटाइज ना करें, बट सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ फिक्स नहीं है। पॉसिबिलिटी है करें, बट इसमें अभी टाइम लगेगा, अगर वो करेंगे भी तो इसमें अभी टाइम लगेगा, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट बिल्कुल ये बात सही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जो आरटीओ डिपार्टमेंट है उसका जो वर्कलोड होता है, बेसिकली आरटीओ डिपार्टमेंट ही हैंडलिंग करता है पूरी जो गवर्नमेंट की व्हीकल्स होती हैं। तो जब एक ह्यूज अमाउंट में व्हीकल बाहर जाएंगी तो आरटीओ डिपार्टमेंट का उधर का जो वर्क होगा वो कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली वर्क कम होगा तो मैन पावर कम चाहिए, और ऑलरेडी जो मैन पावर है उनका भी वर्कलोड कम हो जाएगा,
तो चांसेज हैं कि वैकेंसी में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट जल्दी से इस प्राइवेटाइजेशन की साइड जाती है या डिसइन्वेस्टमेंट की साइड जाती है तो। बट अभी के लिए ऐसा कोई न्यूज है नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आप सोचने लगो कि अब तो काम ही खत्म हो गया, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। बट ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि गुजरात गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि उनको डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन से पैसा लेना है, क्योंकि पब्लिक डेट काफी बढ़ गया है और जो उसका इंटरेस्ट पे करना होता है उस पर भी कैग की कई बार रिपोर्ट आ गई है गुजरात गवर्नमेंट को। तो गुजरात गवर्नमेंट बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोच रही है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, कुछ जीएसआरटीसी की वैकेंसी है जिसको सरकार ने कैंसिल किया है। तो मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाहे आप उस वैकेंसी में हो या ना हो सकता है आप वो फॉर्म नहीं भरे हो सकता है आप लिस्ट में नहीं हो सकता है आपको उससे इफेक्ट नहीं पड़ता हो, बट अगर लोग जो लोग उससे इफेक्टेड हैं अगर वो लोग कोई स्टेप लेते हैं तो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप उनका साथ दीजिए। नहीं तो जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा फिर इंडिविजुअली इंडिविजुअली आप लोग स्टेप लोगे, गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि यूपी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बोर्ड को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही थी, बट जितने एम्प्लॉय थे सबने कह दिया कि हम प्राइवेटाइजेशन के अंदर काम ही नहीं करेंगे। फिर इतने बड़े अमाउंट पे जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चिंता हो जाती है कि वोट बैंक खराब होगा, चारों तरफ ये होगा, गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट को लेकर नेगेटिविटी फैलेगी। तो इस टाइप की चीजों को गवर्नमेंट भी पोलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो ध्यान में रखती है। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो बारी बारी से एक एक करके वैकेंसी अभी देख रहे हो कंटिन्यूअसली काफी सारी वैकेंसी को कैंसिल किया गया है रिक्रूटमेंट के बाद, और ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है। आप रिक्रूटमेंट ना करो वो बहुत अच्छा है, मगर पॉलिटिकल माइलेज के लिए क्या करती है सरकारें, जब इलेक्शन आता है तो एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे। फिर धीरे धीरे चल रहा है उस पर, चल रहा है प्रोसेस चल रहा है, सालों लग गए, फिर सालों के बाद पता चला कि वैकेंसी कैंसिल कर दी गई। तो ये बहुत ही गलत चीज है। आप उन एस्पिरेंट्स के बारे में सोच के देखिए एक बार जिन्होंने इसके इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन लिया होगा, काफी पहले 3-4 साल पहले उन्होंने सिलेक्शन ले लिया और अभी उनसे कहा जा रहा है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ये वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है। तो वो प्रिपरेशन भी शायद नहीं कर रहे होंगे कि उनका एक जगह सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो ये एक नया ट्रेंड चला है, गवर्नमेंट जो है वैकेंसी निकालो, जब इलेक्शन आया वैकेंसी निकाल दो, बाद में वैकेंसी कैंसिल कर दो। ये एक जगह की नहीं, सारी गवर्नमेंट हम देख रहे हैं ऐसे ही हो रहा है। कई सारे गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट आई थी, एमपी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी, राजस्थान गवर्नमेंट की सिमिलर रिपोर्ट है, यूपी गवर्नमेंट की सिमिलर रिपोर्ट है कि इन्होंने जब ये पूछा गया कि आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया तो इन्होंने पूरी लिस्ट निकाल के दिखा दी कि देखिए ये एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट है, इतनी वैकेंसी हमने फिल कर दी। जब ये पूछा गया कि कितने लोगों को आपने अपॉइंटमेंट दिया तो बोला कि हमारे पास डाटा ही नहीं है। तो इस टाइप की चीजें हो रही हैं। आप जरूर इसकी आवाज बनिए, जैसे भी बन सकते हो, आप लोग ग्रुप में हो दूसरे ग्रुप के लोगों को भी कन्विंस करिए, किसी भी तरीके से एक मैसेज कन्वे करिए गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को पता तो चले यार कि आप इसके अगेंस्ट हो, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये पता चले भाई कि एक यंग पीढ़ी है जो हमारे अगेंस्ट जा रही है। तो हमारा जो पॉलिटिकल आप कह सकते हो कि जो पीछे का एडवांटेज वो देख रहे हैं, पॉलिटिकल एडवांटेज वो उनको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये जरूर आप लोगों को करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पाथ है, आपको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से काफी सारे लोग कह रहे थे मैं इस पे वीडियो बनाऊं, मैंने बना दिया और बिल्कुल मेरी एडवाइस भी होगी कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। नहीं करोगे तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि चलो वैकेंसी निकालो फिर उसको कैंसिल करो, क्या फर्क पड़ता है, फिर इस वैकेंसी को पोस्टपोन करो आगे फिर कैंसिल करो, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो सेम हालत बिहार की ये देख लो, अभी तक पता ही नहीं है कि कब एग्जाम होगा, मार्च की डेट दिया गया है, कुछ पता नहीं डेट आएगी नहीं आएगी कब आएगी। तो इस चल रहा है, मतलब स्टूडेंट्स के साथ एक तरह से प्योर मजाक चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। यूपी गवर्नमेंट की सेम हालत है, यूपी में मैंने मेल किया, मैसेज किया कि आप बताइए जो UPSC RI का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव, इतना तक बताने की जहमत नहीं उठा रहे हैं कि एग्जाम सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, कोई मतलब ही नहीं, कोई रिप्लाई देने वाला ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, वही पुराना एडवर्टीजमेंट, घिसा पिटा डेट चेंज करके निकाल देते हैं। यार आप एग्जाम का पैटर्न तक नहीं बता रहे हो बच्चों को, सिलेबस 2 लाइन में डिफाइन कर दे रहे हो। तो भाई ऐसे ही चल रहा है, अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज कोई दूसरा उठाने आएगा नहीं। बाकी आपकी मर्जी है कैसे फाइट करना है, आप देखो मेरे हिसाब से आपको एक साथ यूनाइट होकर ग्रुप में आप डिसाइड कर लो आप लोगों को किस तरीके से गवर्नमेंट को मैसेज अपना कन्वे करना है। लीगल तरीका भी होता है, आजकल ट्विटर वाला ट्रेंड भी है, इससे पहले मैंने बताया था कि कंप्लेन पोर्टल भी होता है, हर जगह मास अमाउंट में आप लोग कंप्लेन फाइल करोगे तो जरूर गवर्नमेंट उससे, अगर गवर्नमेंट देख के कोई एक्शन ना ले बट गवर्नमेंट के दिमाग में तो आ जाएगा कि जो एक्शन ले रहे हैं इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो जो पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलना चाहिए वो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको नहीं मिलेगा, तो ये मैसेज तो जाएगा गवर्नमेंट को, तो वो अगर स्टेप लेते भी है तो सोच समझ के लेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।